सो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर के जो फिल्मी करियर की जो टॉप 20 बेस्ट मूवीज है, कलेक्शन के पर्पस पर नहीं बल्कि ऑडियंस के वोटिंग के द्वारा जो रैंकिंग दी जाती है, ये सब अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। मैं फिर बता दूं, ये मेरी खुद की रैंकिंग नहीं है। कई लोग कहते हैं कि रैंकिंग गलत है, लेकिन मेरी खुद की रैंकिंग नहीं है। जो मुझे अपडेट्स मिले हैं वेबसाइट के अकॉर्डिंग, वो सब डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। ये वीडियो आप लोगों में से ही किन्हीं दो लोगों की रिक्वेस्ट पर है, जिनके नाम है फराज खान और जावेद खान। और फराज खान इस वीडियो को डेडिकेट करना चाहते हैं राज बब्बर की एक मूवी आई थी निकाह, जो आई थी 1982 में, उस मूवी की टीम को, अपने फादर को, अपनी मदर को और मुझे। तो फराज खान, थैंक यू सो मच। और एक है जावेद खान, और जावेद खान इस वीडियो को डेडिकेट करना चाहते हैं निकाह मूवी की टीम को, और स्पेशली एक एक्ट्रेस है सलमा अघा, उनको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर 20 से। नंबर 20 पर है बॉलीवुड फिल्म अवाम, जो आई थी 1987 में। इसको B.R. चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और ये एक बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म थी। रैंकिंग नंबर 19 निकाह, ये आई थी 1982 में। इसको B.R. चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 18 नौकर बीवी का, ये आई थी 1983 में। इसको राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 17 आज की आवाज, ये आई थी 1984 में। इसको रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 16 अगर तुम ना होते, ये आई थी 1983 में। इसको लेख टंडन ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 15 बंटी और बबली, ये आई थी 2005 में। इसको शाद अली ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 14 कभी ना कभी, ये आई थी 1998 में। इसको प्रिया दर्शन ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 13 उमराव जान, ये आई थी 1981 में। इसको मुजफ्फर अली ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 12 क्या दिल ने कहा, ये आई थी 2002 में। इसको संजय चैल ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 11 दलाल, ये आई थी 1993 में। इसको पार्थो घोष ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 10 मजदूर, ये आई थी 1983 में। इसको रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 9 एतबार, ये आई थी 1985 में। इसको मुकुल आनंद ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 8 कॉरपोरेट, ये आई थी 2006 में। इसको मधुर भंडारकर ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 7 द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ये आई थी 2002 में। इसको राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 6 इंडियन, ये आई थी 2001 में। इसको एन महाराजन ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 5 माहौल ठीक है, ये आई थी 1999 में। इसको जसपाल भट्टी ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 4 इंसाफ का तराजू, ये आई थी 1980 में। इसको B.R. चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 3 LOC कारगिल, लोक कारगिल, ये जो मूवी है ये आई थी 2003 में। इसको J.P. दत्ता ने डायरेक्ट किया था। रैंकिंग नंबर 2 हम 5, ये आई थी 1981 में। इसको बापू ने डायरेक्ट किया था। और रैंकिंग नंबर 1 घायल, ये आई थी 1990 में। इसको राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।